और केशव एक काम और कर देना कि जब मेरा अंतिम समय आए तो केशव मुझे तू ही लेने आना। मेरे प्राण जब निकले ना उस समय तू ही मुझे लेने के लिए आना। और हम सभी को भी यही मांगना है कन्हैया से, यही प्रार्थना करनी है कि जब अंतिम समय आए तो यमराज लेने ना आए। कौन आए? भगवान। क्योंकि मृत्यु जब नजदीक आती है ना तो गला अवरुद्ध हो जाता है। भगवान का नाम दूर दूर तक याद नहीं आता, याद आते तो कौन? कुटुंब वाले। आप देखते नहीं एक ज्यादा ही कोई बुजुर्ग हो जाते तो बूढ़े हो जाते, वो क्या बोलते? बहन को बुला दो, बहू से मिलना है, बेटी से मिलना है, फलाने से मिलना है, ये तो कहते हैं। ये तो नहीं कहते भगवान से मिला दो। विषम पितामह यही कह रहे हैं कि केशव तू इतना करना कि जब ये प्राण निकले ना तो सिर्फ तेरा नाम लेकर निकले और तेरी छवि मेरे सामने। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नात करे न स्वामी। हरि बोल। तट हो यमुना कबंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो यमुना कबंसी बट हो। श्री यमुना जी का तट हो यमुना कबंसी बट हो। गोविंद नाम लेकर
कुछ और ना दिखाई दे, सिर्फ छवि आपकी हो और मेरे सामने आप खड़े हो। सांवरा खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा हो, मेरा सांवरा खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा हो, मेरा सांवरा खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा हो, तो करना स्वामी
जब प्राण